Assalamualaikum. Good morning. How are you, my sweet kids? Hope you all are cool at your home. Come to our math class. Students, in our previous video, which numbers we had written? So, let's revise. 1. After 1, which number will come? 2. 2. And today, which number we will write to practice? 3. 3. Fine, students. Now, in this picture, how many birds are there? So, let us count. 1, 2, 3. How many birds we had counted? 3. Now, see this picture. आपने लायन देखा है ना, लायन होते हैं ना ज़ू में. So, let's count the lions. 1, 2, 3. How many lions we had counted? 3. How many lions? 3. Fine, students? Students, now we will practice how to write the number 3. This is only for example. Fine, students? So, पहले आपको first curve बनाना है अच्छे से, फिर आपको join करके second curve बनाना है. 3. Now, again see, students. पहले आपको पेंसिल से फर्स्ट कर्व बनाना है, फिर पेंसिल उठाए बिना दूसरा कर्व बनाना है. 3. स्टूडेंट्स, ओपन योर मैथ 1 माई स्किल बुक. पेज नंबर 17. विच पेज यू विल ओपन स्टूडेंट्स? पेज नंबर 17. फाइन. Now, do you remember which number we had written in previous video? आपको याद है students कि हमने कौन से numbers लिखे थे? So, let us revise the numbers once again. Okay? So, have a look. पहले हमने कौन सा number लिखा students? 1. Which number we had written? 1. फिर हमने 1 के बाद कौन सा नंबर आता है? 2. 2. Which number we had written? 2. And after 2, which number we will write today? Do you know which number is this? Come on, tell me. Yes, this is a number 3. 3. 1. 2, 3. How many fingers are there? 3. 3. Fine. So, आज हम कौन सा नंबर लिखेंगे पेज नंबर 17 पे? 3. Okay? So, first we will trace the number. 3. तो कैसे tracing करना है students? आपको dot पे ही बराबर pencil चलानी है, right? पहले आपको कर्व बनाना है, अच्छे से डॉट पे पेंसिल चलानी है, फिर आपको सेकेंड कर्व पे बराबर पेंसिल चला के ट्रेस करना है. 3. ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? नाउ वी विल राइट नंबर 3 इन द ब्लॉक्स. फाइन. विच नंबर इज दिस? 3. 3. 3. तो पहले हम ट्रेस करेंगे, नंबर को ट्रेस करेंगे. फाइन स्टूडेंट्स, तो बराबर डॉट पे ही पेंसिल चलानी है इस तरीके से. पेंसिल आपकी उठनी नहीं चाहिए, पेंसिल ज़रा भी उठाना नहीं है, बराबर डॉट पे ही आपको ट्रेसिंग करना है. राइट स्टूडेंट्स, सी इन दिस वे, बराबर ट्रेसिंग डॉट पे ही करना है. 3.
3 डॉट पे ही ट्रेसिंग करना है. 3 फाइन. नाउ सी अगेन वी विल ट्रेस द नंबर 3. बराबर डॉट पे ही पेंसिल चलानी है. 3 3 3. फाइन स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने अपना ट्रेसिंग वर्क फिनिश कर लिया. राइट स्टूडेंट्स, नाउ वी विल राइट नंबर 3 फ्रॉम द डॉट. अब ये जो रेड डॉट्स दिए हैं ना बॉक्स में, तो वहाँ से आपको नंबर 3 लिखना है. राइट, सो सी ये डॉट पे से आपको पहले फर्स्ट कर्व बनाना है, फिर जॉइन करके आपको दूसरा कर्व बना देना है इस तरीके से. अगेन सी स्टूडेंट्स, पहले आपको पहला कर्व बनाना है अच्छे से, फिर जॉइन करके सेकेंड कर्व बनाना है. 3 बराबर डॉट से ही आपको 3 लिखना है. 3 स्पीक एंड राइट स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी रेड डॉट दिया है ये वाले बॉक्स में. राइट, तो बराबर डॉट से ही आपको फर्स्ट कर्व बनाना है, फिर जॉइन करके सेकेंड कर्व बनाना है. 3 पेंसिल आपको उठानी नहीं है स्टूडेंट्स. सी फर्स्ट कर्व बना लिया अच्छे से, फिर जॉइन करना है आपको सेकेंड कर्व, दूसरा कर्व बना देना है वहाँ से ही. देखो पहला कर्व बनाया, राइट, फिर आपको सेकेंड कर्व बना देना है. 3 डॉट से ही स्टार्ट करना है, 3 लिखना, फर्स्ट कर्व देन अगेन जॉइन सेकेंड कर्व. 3 3 3. ओके, अब इस तरीके से हमने डॉट से नंबर 3 लिख लिया. राइट, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू विल राइट नंबर 3 विदाउट डॉट और विदाउट ट्रेसिंग. आपको अभी क्या करना है स्टूडेंट्स, 3 लिखोगे लेकिन बिना डॉट के और बिना ट्रेसिंग के आपको 3 लिखना है. ओके, सो पहले आपको लीव दिस लाइन, ये लाइन आपको छोड़ देनी है स्टूडेंट्स. और कहाँ से नंबर 3 लिखोगे, ऊपर वाले बॉक्स में से. तो पहले आपको अच्छे से पहला कर्व बनाना है, ये पेंसिल उठानी नहीं है स्टूडेंट्स, जॉइन करके आपको सेकेंड कर्व बना देना है. 3 सी इन दिस वे, पहले आपने एंड लीव दिस बॉक्स वन फिंगर स्पेस. यहाँ पे आप नंबर 3 नीचे नहीं लिखोगे, ये बॉक्स आपको छोड़ देना है. तो पहले आप कर्व बनाओगे, फर्स्ट कर्व पे जॉइन करके सेकेंड कर्व. 3 नाउ लीव दिस बॉक्स वन फिंगर स्पेस, फर्स्ट कर्व बनाया फिर जॉइन करके आपको सेकेंड कर्व बनाना है. 3 पहला कर्व बना लिया, फिर दूसरा कर्व जॉइन करना है. 3 इस तरीके से 3, और टच करके ही बॉक्स में ही नंबर्स लिखने हैं. बीच में वन वन फिंगर स्पेस आपको बॉक्स छोड़ देना है स्टूडेंट्स. ओके, आप नीचे वाले बॉक्स में नहीं लिखोगे और ज़्यादा स्क्रिबलिंग वर्क नहीं चाहिए. अगेन लीव दिस बॉक्स, राइट नंबर 3, फर्स्ट कर्व बना लिया फिर सेकेंड कर्व जॉइन करना है. 3 नाउ लीव दिस लाइन, अगेन यू विल लीव दिस लाइन. और आप 3 कहाँ से लिखोगे स्टूडेंट्स, ऊपर वाले बॉक्स में से. राइट, सो पहले आप फर्स्ट कर्व बनाओगे, फिर पेंसिल उठाए बिना आपको सेकेंड कर्व जॉइन करना है. देखना मैडम कैसे लिखते हैं, पहले फर्स्ट कर्व बनाया फिर जॉइन करके आपको सेकेंड कर्व तुरंत बना लेना है. 3 एंड लीव वन फिंगर स्पेस, नीचे वाले बॉक्स में आपको लिखना नहीं है. फर्स्ट कर्व देन जॉइन सेकेंड कर्व. 3 पहला कर्व बना लिया फिर दूसरा कर्व जॉइन करना है. 3 एंड राइट स्लोली स्लोली, और अच्छे से लिखना है, नीट वर्क करना है स्टूडेंट्स. 3 3. ओके, बीच में वन वन फिंगर स्पेस आपको बॉक्स छोड़ देना है स्टूडेंट्स. राइट, इन दिस वे यू विल कंप्लीट योर पेज नंबर 17 ऑफ राइटिंग नंबर 3 3.
फाइन स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अगर आपने पेज नंबर 17 कंप्लीट कर लिया है 3 नंबर लिख के, तो आपको सामने वाला पेज कंप्लीट करना है, दैट इज पेज नंबर 18। आपको क्या लिखना है इस पेज पे भी सेम नंबर लिखना है स्टूडेंट्स। पहले आप 3 को प्रेस करोगे अच्छे से, फिर आप रेड डॉट से लिखोगे और फिर आपको बॉक्स में नंबर 3 अच्छे से लिखना है, 1-1 फिंगर स्पेस छोड़ के, राइट स्टूडेंट्स? सो नंबर टच करके लिखना है और ज़्यादा स्क्रिबलिंग वर्क नहीं चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? नाउ इन दिस वे यू विल कंप्लीट योर बोथ द पेजेस, दैट इज पेज नंबर 17 एंड पेज नंबर 18। आई होप यू विल कंप्लीट योर बोथ द पेजेस इन अ गुड हैंड राइटिंग स्टूडेंट्स। फाइन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।